मित्रों प्रणाम, मैं आपका साथी आपका आचार्य। आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube के चैनल के माध्यम से जिसका नाम है ओम, और अपनी कहानियों की श्रृंखला जो मैं आपको लेकर आता हूँ आपके लिए उसका नाम है कुछ अनसुनी अनकही कहानियाँ। उन्हीं कहानियों की श्रेणी में मैं आज आपके लिए एक कहानी फिर से लेकर आया हूँ, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो सबसे पहले चलते हैं अपने गुरु के चरणों की ओर, उसके बाद आके कथा करेंगे। मित्रों तो मित्रों आज की कथा का शीर्षक है कि क्यों नहीं होती इस संसार में परमपिता ब्रह्मा की पूजा। मित्रों बहुत से ऋषि मुनियों ने इस बात को उठाया और भगवान से जानने का जब प्रयास किया तो ये बात सामने आई कि एक बार ब्रह्मा जी ने लोक कल्याण के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया पुष्कर में, जहाँ पर आज ब्रह्मा जी का बड़ा मंदिर बना हुआ है। वहाँ पर उन्होंने लोक कल्याण के लिए आयोजन किया तथा सारी देवी देवताओं को वहाँ बुलाया और अपनी पत्नी को भी आमंत्रित किया था, क्योंकि उनके साथ वो यज्ञ पूर्ण करना चाहते थे। सभी देवी देवता समय पर वहाँ पहुँच गए थे, परंतु माता सावित्री जो उनकी पत्नी थी वो नियत समय पर वहाँ नहीं पहुँच पाई। मित्रों उसके बाद भगवान ने ये देखा ब्रह्मा जी ने कि जब मुहूर्त बीता जा रहा है तो उन्होंने नंदिनी नाम की एक गाय से उसके मुख से एक कन्या का उत्पत्ति की और उस कन्या का नाम था गायत्री। तो उन्होंने उस गायत्री से विवाह किया और पत्नी रूप में उसको यज्ञ में बिठाकर आहुति दिलवाई तथा यज्ञ संपन्न कराया। तभी माँ सावित्री वहाँ पहुँच गई और उन्होंने जैसे ही देखा कि ब्रह्मा जी किसी और स्त्री को अपने साथ पत्नी रूप में बिठाकर पूजा कर रहे हैं, उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने तुरंत ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि आप आज के बाद इस संसार में कभी पूजे नहीं जाएंगे, पूरा संसार कभी आपकी पूजा नहीं करेगा। समस्त देवी देवताओं ने हाथ जोड़कर माँ का अभिनंदन करा, माँ से ये कहा, हे माँ सावित्री, आपको ये माँ सावित्री हम आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि भगवान ने आपकी उपेक्षा करने के लिए नहीं अपितु इस संसार के कल्याण के लिए जो यज्ञ आवश्यक था और उसका मुहूर्त निकला जा रहा था, इसलिए उन्होंने ये कर्म किया है, आप इनको भी क्षमा कीजिए और इस सृष्टि का कल्याण कीजिए। तो माता सावित्री ने तुरंत कहा कि ठीक है, आज यहाँ जहाँ आपने ये यज्ञ किया है वहाँ आपका मंदिर बनेगा और आपकी पूजा होगी। इसके अतिरिक्त पूरे संसार में यदि कोई आपका मंदिर कहीं और बनाएगा और आपकी पूजा करेगा या आपका पूजन करेगा तो उसको सर्वनाश की प्राप्ति होगी, उसका सर्व कुछ नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर माता सावित्री पुष्कर की पहाड़ियों पर तप करने के लिए चली गईं और उनका निवास स्थान वहीं आज भी माना जाता है। मित्रों कुछ स्त्रियां, कुछ देवियां, हमारी माताएं बहनें आज भी पुष्कर की पहाड़ियों क्षेत्र में जो मंदिर बना हुआ है माँ का वहाँ जाती हैं और उनके सुहाग चिन्ह जैसे मांग का सिंदूर और बिंदिया ये सब प्रसाद रूप में वहाँ से प्राप्त करती हैं। मित्रों तो ये थी वो कहानी जो मैं आपको आज सुनाने के लिए आया था कि ब्रह्मा जी की इस संसार में पूजन क्यों नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों एक मत और है, भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने एक बार अपनी पुत्री पर कुदृष्टि डाली थी, अर्थात वासना की दृष्टि उनकी अपनी पुत्री पर पड़ गई थी, जिसके पश्चाताप में ब्रह्मा जी ने अपना शरीर त्याग दिया था और उनका शरीर वो काले मेघों में परिवर्तित हो गया तथा वो इस सृष्टि में सदा के लिए बारिश के लिए विद्यमान हो गया। तो जैसे ही ये कार्य हुआ
ब्रह्मा जी ने अपना शरीर त्यागा, नारद जी ने उनको श्राप दे दिया कि तुम्हारी इस सृष्टि में कभी पूजा नहीं होगी क्योंकि आपने अपनी पुत्री पर कुदृष्टि डाली। तो ये अलग अलग मत हैं मित्रों, ये दो कथाएं एक में मैंने आपको सुनाई हैं। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी, ये कथा अच्छी लगी होगी। मैं आपसे हमेशा कहता आया हूँ कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स मुझे लिख के भेजिए, तथा जिनको अपनी कोई परेशानियाँ हैं वो भी हमें मेल कर सकते हैं, उनका निःशुल्क निवारण मैं उनको वापस मेल करूँगा। मित्रों, आज की सभा में बस इतना ही, अगली सभा में आपसे फिर मुलाकात होगी। मित्रों, आपसे फिर मिलेंगे। मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार।